हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद सूरज। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। उससे पहले हम कैंडल्स देखते हैं। ये देखिए, ये कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। ये जो ऊपर, ये आपको जो दिख रही है बॉडी, ये कैंडल की बॉडी, इसको रियल बॉडी बोलते हैं। और ये रेड की तरफ है, इसको भी रियल बॉडी। और ये जो ऊपर वीक या फिर स्टिक बोल सकते हैं आप, यहाँ पे जो आपको स्टिक्स दिख रही है, जो भी विक्स दिख रही है, इसको आप अपर शैडो बोल सकते हैं। और इसको नीचे जो है उनको लोअर शैडो बोल सकते हैं। तो मार्केट शुरू कैसे होता है, मार्केट में कैंडल मूव कैसे होती है। कैंडल जब यहाँ से ओपन होती है मार्केट में, फिर वो थोड़ा क्या करती है, थोड़ा नीचे जाती है, फिर लो बनाती है, यहाँ तक जाती है, फिर वापस से ऊपर आती है ओपन, जहाँ से वो शुरू हुई थी, फिर ऊपर जाती है जहाँ पे वो क्लोज होने वाली है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाती है, एक हाई बनाती है और फिर नीचे आती है और यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। ये बिग ग्रीन कैंडल, ऐसे इसका बिहेवियर होता है। और रेड रेड कैंडल का कैसे बिहेवियर होता है, उसके ग्रीन कैंडल के एकदम अपोजिट। यहाँ ये ऊपर से ओपन होती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर अपना हाई बनाती है, फिर नीचे आती है, यहाँ पे क्लोज से थोड़ा और नीचे आती है, फिर यहाँ पे लो लगाती है और फिर थोड़ा ऊपर आके क्लोज हो जाती है। तो ये ऐसे, मतलब ये जो कैंडल्स है, ये एक टाइप की कैंडल है, ये बिग ग्रीन कैंडल है और ये रेड रेड कैंडल है। तो टाइप कैंडल के भी टाइप्स होते हैं। ये देखिए, वहाँ हम आगे जाके देखेंगे कैंडल्स के टाइप्स कैसे कैसे होती है। ये देखिए, ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, ये लार्ज रियल बॉडी, ये स्मॉल रियल बॉडी, ये टाइप्स है कैंडल्स के। ये वाइड रेंज है, ये नैरो रेंज है, ये क्या है, ये अपर शैडो लोअर शैडो, सेलिंग बाइंग का मतलब जो रहता है सिनारियो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पीडीएफ है, ये किसी के पास में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन में वो सब इतना मतलब डिटेल में लिखा है कि आपके आपको मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसमें आपको ये हेल्प करेगा। और फिर इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी भी है। और ये देखिए, ये शूटिंग स्टार है, यहाँ पे क्या है, हैंगिंग मैन है। ये टाइप्स है, हम टाइप्स सारे सीखेंगे। ये हैमर है, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है, ये बुलिश एंगल फिन है, ये बेरिश एंगल फिन है, ये हरामी है। हरामी मतलब कैंडल का नाम है। और यहाँ पे नीचे मॉर्निंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार है, ये ट्विजर टॉप है, ये ट्विजर बॉटम है। ये सारे टाइप्स हम सीखेंगे। ये राइजिंग थ्री है, ये फॉलिंग थ्री है, ये सारे कैंडल्स के टाइप है। ये सारे टाइप्स कैंडल के साथ साथ हम पूरे पूरा सीखेंगे। और यहाँ पे इसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो अभी हम देखते हैं। ये ट्रेडिंग वेब एप्लीकेशन है, कल हमने इसके बारे में देखा था। ये देखिए, थोड़ा कल का मतलब रिवीजन करते हैं, क्या बिहेवियर कैसा होता है मार्केट का।
आप अभी आपको मैंने जो कैंडल्स दिखाई है, देखिए ये सारी कैंडल्स यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप, हर टाइप की कैंडल है, हैमर है, इवनिंग स्टार है, सब है यहाँ पे, सब टाइप की कैंडल यहाँ पे है। अभी हम थोड़ा मार्केट का बिहेवियर पे थोड़ा आते हैं, फिर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखिए कल हमने देखा था मार्केट तीन तीन ट्रेंड फॉलो करता है, कौन से एक साइडवेज, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। ये हायर हाइज बनाते जाता है यहाँ से, ये लोअर लोज यहाँ से बनाते जाता है, और ये साइडवेज मार्केट है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी जैसे अगर ये समझ लीजिए, आप अगर जमीन पे खड़े हैं, आप जमीन पे खड़े हैं, तो वो जमीन आप पे क्या हुआ, सपोर्ट हुआ, और जहां तक आप जंप कर सकते हैं वो क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस हुआ। मतलब समझ लीजिए ये कोई लड़का है, 6 फुट का है, और 1 सेकंड, एक लड़का है 6 फीट का है समझ लीजिए, और फिर ये क्या करता है, ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ये इसके ऊपर यहाँ पे उसके पैर है, तो ये क्या हुआ, सपोर्ट हुआ। फिर और जो यहाँ जहाँ तक वो जंप कर सकता है, अगर यहाँ तक जंप कर सकता है, तो उसका क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने के आपको मामूली चीजें सब लोग सिखाएंगे, मतलब बहुत ये एक ही बार बार एक ही चीज सिखाएंगे कि ये ऐसे सपोर्ट ड्रॉ करते हैं आपको, फिर ये ऐसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो कोई नहीं सिखाता। जैसे जब मूविंग एवरेज आती है, ये देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, मिनट, ये देखिए ये मूविंग एवरेज है, ये 20, 50 और 200 की मूविंग एवरेज है। देखिए यहाँ से ये येलो लाइन है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से पीछे से, यहाँ से क्या हुआ, ये बिग ग्रीन कैंडल ने क्या है, इस मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है। फिर क्या हुआ, थोड़ा और पीछे जाते हैं, यहाँ से इसने क्या लिया है, रेसिस्ट किया है, मूविंग एवरेज ने इसको क्या किया है, नीचे धकेला है। फिर थोड़ा और पीछे जाते हैं, फिर क्या हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, ये सॉरी यहाँ से सपोर्ट मिला है मूविंग एवरेज से। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्राइस रेसिस्ट हुए नीचे, ये है इसका रेजिस्टेंस। आप खाली मूविंग एवरेज से सिर्फ सॉरी जो लाइंस होती है, जो हॉरिजेंटल लाइंस जो ड्रॉ करते हैं, सिर्फ वही और रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं होता, बल्कि मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस को मिलता रहता है। अभी ये जो हमने ड्रॉ किया है, ऐसे मार्केट मूव क्यों करता है, यहाँ पे कौन होता है, बायर्स, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं, क्यों, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे LIC ये सब होते हैं ना, वैसे ये बायर्स होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे सेलर्स। ये जंग इन दोनों के बीच ही शुरू होती है, ये बायर यहाँ से प्राइस ऊपर ढकेलता है, ये सेलर यहाँ से प्राइस नीचे ढकेलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ बाय करके प्रॉफिट मिलता है, फिर ये सेलर नीचे ढकेल के क्या कर रहे, तो आपको बता दू सिर्फ बाय करके ही प्रॉफिट नहीं मिलता, आपको सेल करके भी प्रॉफिट मिल सकता है, दोनों तरीके से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बाय करके भी और सेल करके भी। बहुत लोगों की गलत फहमी है कि सिर्फ बाय करके ही सब प्रॉफिट होता है, बल्कि सेल करके भी प्रॉफिट होता है, वो हम आगे आगे सीखेंगे। उससे पहले हम क्या बात करते हैं, बायर्स और सेलर्स की। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं,
वो एक ही वक्त पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनको यहाँ पे 100 करोड़, फिर यहाँ पे 100 करोड़, फिर यहाँ पे 200 300, ऐसे हजारों करोड़ क्या करने होते हैं, इन्वेस्ट करने होते हैं। इसलिए वो एक ही वक्त पे इतना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा प्राइस को नीचे आने देते, फिर यहाँ पे बाय करते। प्राइस को नीचे लाने वाले भी इन्वेस्टर्स ही होते हैं, हमारे जैसे रिटेलर्स भी होती है, होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, बहुत लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो प्राइस को ऊपर भी ले जाते हैं और नीचे भी ले आते हैं। क्यों ले आते हैं ऊपर? तो यहाँ पे वो जब, अगर हम एक मोबाइल का एग्जांपल ले, तो जैसे जब हम iPhone 11 10 था, तो उसकी वैल्यू कुछ तो 1 लाख रुपीज थी, ऐसा कुछ तो समथिंग था। तो फिर हम क्या सोचते थे, यार 6 5 6 महीने हो जाए फिर हम वो खरीद लेते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, तब तक 1 लाख रुपए कीमत की मोबाइल क्या होगा, शायद से 70 हजार या फिर 80 हजार तक आ जाएगा, फिर हम बाय करेंगे। तो वैसे ये क्या है, ये प्राइस है यहाँ पे, ये प्राइस है। जब भी यहाँ पे गिरता है मार्केट, स्टॉक गिरता है, तो सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, और फिर बाय करते हैं, और फिर जब मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। फिर यहाँ पे क्यों एक ही जगह पे क्यों मतलब बाय करते होंगे, क्योंकि हमारे जैसे रिटेलर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और सोचते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा तब हम बाय करेंगे, और जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तब हम सेल करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे भी, एक साइडवेज मार्केट में ऐसे ड्रॉ करते हैं, आप ट्रेंडिंग मार्केट में क्या करते हैं, ये देखिए, ये ट्रेंडिंग मार्केट में सिर्फ हमको 2 पॉइंट, 2 स्विंग्स क्या करने होते हैं, ड्रॉ करने होते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ हमारा सपोर्ट, और ये क्या हुआ रेजिस्टेंस। वैसे ही नीचे हमें अगर डाउन ट्रेंड में मार्क करना होगा तो कैसे करेंगे, ये हुआ हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट। यहाँ पे प्राइस आई फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे प्राइस आई फिर से ऊपर जाएगी, मतलब ये ऐसे मार्केट का बिहेवियर होता है। ये भी, इसको भी रेजिस्टेंस ही बोलेंगे, इसको भी रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसको भी रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसको भी रेजिस्टेंस बोलेंगे, ऐसे तीनों तरीके से मतलब ड्रॉ होती है। और फिर अभी मार्केट में देखते हैं हम, मार्केट में कैसा बिहेवियर होता है मार्केट का वो देखते हैं। अभी ये मूविंग एवरेज, आपको वो जैसे बताया, मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लेती है प्राइस, कैंडल मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लेती है। तो ये सब आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, मूविंग एवरेज के बारे में कोई नहीं बताएगा। मूविंग एवरेज से भी सपोर्ट लेता है प्राइस। अब ये देखिए, हमको क्या करना है, बस 2 स्विंग्स। स्विंग्स यानी क्या, जहाँ से प्राइस मूव होती है, रिटर्न जाती है, यू टर्न लेती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया। तो ये हमारा क्या हुआ, स्विंग हुआ, इसको हम स्विंग बोल सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा स्विंग हुआ। वैसे ये क्या है, ये एक स्विंग है, इसको भी हम स्विंग बोले, मार्केट यहाँ से रिटर्न गया। फिर ये क्या है, ये भी स्विंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। फिर ये क्या है, ये भी स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है। तो अभी हमको ड्रॉ कैसे करना है, तो क्या करना है हमको, बस 2 स्विंग्स लेके, 2 स्विंग्स का पॉइंट लेके क्या करना है, ड्रॉ करना है बस। अभी एक देख सकते हैं, और मार्केट का एक और एक आपको बिहेवियर के बारे में बताना भूल गया मैं, एक और बिहेवियर कैसा होता है मार्केट का, ये देखिए, जब मार्केट ऐसे मूव कर रहा होता है, ऐसे जब मार्केट मूव करता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। ये देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये पहले क्या था, इस प्राइस का रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट था उसका, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट तक आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, वापिस से बाइंग हुई, फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया, फिर ये इसने क्या बना लिया, अपना दूसरा स्विंग का रेजिस्टेंस बना लिया। फिर जब मार्केट उसको भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो इसने क्या कर लिया,
तीसरा रेजिस्टेंस बना लिया। फिर वापस से जब ये मार्केट नीचे आ रहा था, जैसे अभी ये देख सकते हैं हम, अभी ये मार्केट जब नीचे आएगा ऐसा, ये देखिए अभी ये क्या हुआ, इसने क्या किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये सपोर्ट ब्रेक किया। ये हमारा क्या था, ये पहला सपोर्ट था, यस वो नाम कहेंगे इसको। फिर ये क्या हुआ, इसने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर इसने नीचे लो लगाया। फिर ये क्या हुआ, ये भी सपोर्ट, ये भी स्विंग था ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ये भी स्विंग, इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। ये हमारा क्या था, यस टू। ये क्या था हमारा, यस टू था। मतलब अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे अगर आप टेबल पे खड़े, टेबल क्या हो गया आपका, पहला सपोर्ट हो गया, फिर वहां से आपने नीचे जंप किया फ्लोर पे, वो क्या हो गया, दूसरा सपोर्ट हो गया। और वहां से अगर आप खाई में गिर जाते तो वहां पे तीसरा सपोर्ट होगा। वैसे जब प्लेन क्या करता है, फ्लोर से ऊपर जाता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बनाते बनाते जाता है, फिर एक टाइम पे वो अपने हाई, मतलब हाई पे जाता है, वहां से क्या होता है, लैंड हो जाता है, नीचे आता है तो सपोर्ट पे वापस आ जाता है। तो प्राइस का भी सेम ऐसे रहता है, जैसे गोल्ड ऊपर नीचे होता रहता है, वैसा प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहता है। और फिर जैसे अभी, अब जैसे अभी हम मार्केट का बिहेवियर देख रहे थे, अभी हम लाइव मार्केट में देखते हैं थोड़ा उसके बारे में। अब ये सब ड्राइंग हम हटा देते हैं, और ये नीचे ये सारे वॉल्यूम है, कल हमने देखा था, और जो जो नए हैं उनको इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। बस आप मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी सारी रिकॉर्डिंग। अभी ये हम लाइव मार्केट में, सॉरी लाइव नहीं है, अभी मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक खुला रहता है, तो अभी ये मार्केट बंद है। तो एक मिनट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कोई फॉरेक्स का मतलब कैंडल्स कैसे मूव करती है, हम देख करते देखते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पे प्राइस मूव हो रही है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे में इतना मूव हुआ है। अगर हम 5 मिनट में देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए मार्केट गिर रहा है यहाँ से, देखिए कितनी बड़ी कैंडल बना दी है इसने। यहाँ पे देखिए प्राइस मूव हो रहा है ऐसे, यहाँ से कैंडल क्या हुई, यहाँ से ओपन हुई, अभी यहाँ 5 मिनट यहाँ पे जब खत्म होंगे, अभी जो टाइमिंग हो रहा है, अभी 5 सेकंड बाकी है कैंडल क्लोज होने में। ये देखिए कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ पे यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई। अभी ये दूसरी कैंडल 5 मिनट की शुरू हो गई, ये भी यहाँ से नीचे गिर रही। तो ये ऐसे लाइव मार्केट होता है अपना, स्टॉक मार्केट। तो अभी हम अपने थोड़ा स्टॉक मार्केट में देखते हैं, वो यूएसडी आईएनआर फॉरेक्स का है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी ये देखिए, ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे कैसे मूव हो रहा है। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर नीचे मूव हो रही है। यहाँ से पूरी ड्राइंग मैं हटा देता हूँ और थोड़ा मार्केट की तरफ 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे हम मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है, और थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी हम सीखेंगे। ये देखिए, ये देखिए अभी ये हम, ये क्या है, ये 2 पॉइंट है, ये दो स्विंग्स है, इसको क्या हम करेंगे, इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। ये एक स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए
यहाँ से मार्केट रेसिस्ट कर रहा था, यहाँ पे ऊपर गया, फिर सेलर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अभी क्या हुआ, यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से क्या हुआ, रेजिस्टेंस मिला। मतलब क्या हुआ कि सेलर्स ने यहाँ से मार्केट को, जो बैठे थे सेलर्स, उसने नीचे ढकेल दिया। फिर मार्केट वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट को क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, सेलर्स ने वापस मार्केट को नीचे धकेल दिया। और इस बार क्या किया उसने, ये जो उसका सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था, इसको ब्रेक करके वापस नीचे आ गया। फिर क्या हुआ, जो अपना सपोर्ट था, जिसको ब्रेक करके नीचे आ गया, वही अपना वापस क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर मार्केट को यहाँ से सेलर्स ने नीचे धकेल दिया। फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया। ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट नीचे आया ना, तो अभी यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड में मूव हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छा अभी हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट को हम सॉरी लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं मार्केट में। ये देखिए, ये क्या है, ये दो, एक स्विंग है इसका, जहाँ से मार्केट नीचे आया और मूव हुआ, ये एक स्विंग, जहाँ से मार्केट नीचे आया और मूव हुआ, ये दूसरा स्विंग। यहाँ पे दो स्विंग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये अपना क्या हुआ, फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ, पहला रेजिस्टेंस हुआ ये। इसके बाद में क्या दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा होगा अपना, ये देखिए, ये अपना दूसरा रेजिस्टेंस होगा। अभी क्या होगा, देखिए, ये आज का ये डेट डे की कैंडल है, एक सारे डेज की कैंडल है। अभी यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया और सेलर्स ने क्या किया, सेल कर दिया, वापस से मार्केट नीचे आ गया। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, यहाँ से थोड़ा ब्रेक किया। फिर यहाँ मार्केट ने क्या हुआ, थोड़ा इतना शार्प गिरने के बाद में थोड़ा पुल बैक लिया, फिर वापस से मार्केट नीचे आया। अभी ये देख सकते हैं आप, ये हेड एंड शोल्डर का मतलब यहाँ पे चार्ट बन रहा है। ये देखिए, चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, चार्ट पैटर्न्स में हम देखेंगे, कैंडल्स के टाइप देखेंगे, चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, उसकी साइकोलॉजी समझेंगे हम। और देखिए, ट्रेडिंग करने में सबसे पहले साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको मतलब बोल बच्चे नहीं दूंगा, आपको कैंडल्स प्रैक्टिकल साइकोलॉजी से हम सीखेंगे। जैसे प्रैक्टिकल मतलब कैंडल्स जो होती है, कैंडल्स को कैसे देखना है और पैटर्न्स को कैसे देखना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। अभी ये देखिए, ये क्या है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हुआ। अब यहाँ से पैटर्न के हिसाब से तो जो आप इसका हेड है, ये उतना ही क्या होना चाहिए, ये जितना हेड है उतना ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए यहाँ तक। फिर इसका क्या है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो ये क्या हुआ, ये पहला रेजिस्टेंस हुआ, ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ, ये एक सपोर्ट हुआ, फिर उसके नीचे ये दूसरा सपोर्ट हुआ, तो ऐसे सपोर्ट यहाँ पे बनते जाएंगे। और फिर हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, स्विंग्स ड्रॉ करने के बाद में क्या है यहाँ पे, सॉरी देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट, एक बार सपोर्ट लिया, फिर वापिस से सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बार प्राइस ने रेसिस्ट किया, वापिस से यहाँ पे प्राइस ने रेसिस्ट किया और नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापिस गया, फिर इसने ब्रेक डाउन दिया और फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ऐसे ये टाइप के पैटर्न्स भी हैं, इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता है, मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने मूविंग एवरेज ने क्या किया, इसको रेसिस्ट किया, यहाँ से उसको कैंडल को रेजिस्टेंस मिला और मूविंग एवरेज से वो फॉल हो गया है नीचे। यहाँ से देखिए, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मूविंग एवरेज से यहाँ से रेसिस्ट करके फिर वापस नीचे आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है या फिर
इंट्राडे करना है, सॉरी इंट्राडे करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है, वो आपकी मर्जी है। आप पैसे लगा के मतलब स्टॉप लॉस लगा के भी रख सकते हैं। और सिंपल अगर हमको अगर देखना पड़े कि मार्केट में पैसे कमाए कैसे जा सकते हैं, तो ये देखिए, अगर मैं ये देखिए, ये 50 मूविंग एवरेज है, इसको अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये देखिए, हम यहाँ पे क्या हो सकता था, हम यहाँ पे वो जब सपोर्ट मिला कैंडल को, तो यहाँ से हम बाय कर सकते थे, नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, और हमको कितना कितना प्रॉफिट हो जाता। ये देखिए, यहाँ से इतना 11% का, अगर आप 1 लाख लगाते तो आपको 1,11,000 रुपये का प्रॉफिट होता। फिर देखिए इसने क्या किया है, वापिस से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देखिए ये कैंप बुलिश कैंडल है। फिर इसने अगर यहाँ हम पैसे लगाते तो क्या होता, फिर से हमको कितना 8% का प्रॉफिट होता, मतलब 1 लाख रुपया लगाते तो 1,08,000 का प्रॉफिट होता। तो ऐसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कैंडल्स के बारे में देखेंगे और चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। तो इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। अभी जो भी नए हैं उनको पुरानी जो 3 क्लासेस हुई है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हुई हैं अपनी, शेयर मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है, इन्फ्लेशन क्या है, फिर प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, ये जो ट्रेडिंग वे है एप्लीकेशन, इसका क्या, ये कैसे वर्क करता है, फिर जो हमने इसका देखा था जो Nifty 50, जो मतलब इंडेक्सेस है, वो सारे जो देखे थे, वो क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कौन से स्टॉक्स होते हैं, रोज हम जो खरीदारी करते हैं वो कौन से कंपनी के, कोलगेट जैसी कंपनी है जहाँ पे हम कोलगेट खरीदी खरीदी करते हैं लेकिन हम कोलगेट में पैसे नहीं लगाते। तो रोजमर्रा की चीजें जो हम खरीद खरीद खरीदते हैं उसमें हम पैसे नहीं लगा उसमें पैसे लगाते हैं, लेकिन वो कंपनी जो बनाती है उसमें पैसे हम नहीं लगाते। वो स्टॉक तो कई कई गुना बढ़ चुका है। अगर इन्फोसिस में हम 1994 में अगर पैसे लगा दे तो क्या 2017 तक कम से कम 3,000 गुना अपना पैसा बन जाता, 1,03,000 गुना बन जाता। मतलब कम से कम जो प्रॉफिट हमने देखा था वो आपके साथ में शेयर किया था पहले, मतलब पहले क्लास में, उसके रिकॉर्डिंग्स मैं आप सबको भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिए। और 3 क्लासेस हुए हैं, वो बेसिक हुआ है पूरा शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट क्या है, उसके टाइप्स क्या है। और कल हमने देखा था कि ट्रेडिंग जो ये है फंडामेंटल्स, और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस हम साथ साथ सीखेंगे, ताकि फंडामेंटल्स में आप बोर ना हो जाए। तो इसलिए आज हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा है। तो आप समझ सकते हैं दो स्विंग को मिला के रेजिस्टर और सपोर्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आपको सबको पता ही है, ऑफिस से मैं मतलब यहाँ पे देता हूँ आपको, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप और बता सकते हैं अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो। और कल शार्प 8:15 को आप आ जाइए, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैंडलस्टिक क्या होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो किसी को नहीं पता होता। और जिस जिसको डाउट है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं मतलब 2-3 दिन में 3 क्लासेस के वीडियोस मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा और उसकी लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।